परमेश्वर विश्वास योग्य है हम सब के लिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। हम सब आज की सुबह में परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर से अपने मन की बातों को कहें और अपने हृदयों को खाली करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों में आने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने हमें बताया कि उनकी सैलरी कई महीनों से रुकी हुई थी, जिस कारण से वे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई। उन्होंने कहा कि उसके बाद कुछ ही समय में प्रभु यीशु मसीह ने उनकी पूरी सैलरी को दिलवा दिया। अब उस भाई की पूरी सैलरी उन्हें मिल गई है। अब उनके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के लिए किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता उसके 20:7-8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। मेरे प्रियो, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि किसी को तो घोड़ों का भरोसा है और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हमें तो अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का भरोसा है। हमें और किसी पर भरोसा नहीं है, हमें तो केवल और केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा है, जो संभव को संभव कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, जो हमारी ढाल है, जो हमारा प्रोवाइडर है, जो हमारी किला है, जो हमें कभी भी टलने नहीं देता, जो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता। लोगों का भरोसा तो अपनी धन दौलत पर है, अपने पैसे पर है, अपनी जमीन पर है, लोगों पर है, अपने रिश्तेदारों पर है, अपने से बड़े लोगों पर है, अपने अधिकारियों पर है, परंतु हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे अपने राज्य के लिए बुलाया है। हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है, उस जीवित ईश्वर पर है, उस प्रभु यीशु मसीह पर है। इसलिए मेरे प्रियों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। और लोग जिनका भरोसा अपने धन दौलत पर है, घोड़ों पर है, रथों पर है, वे तो लज्जित हो जाएंगे। भजनकार दाऊद कहते हैं कि वे तो गिर पड़े, परंतु हम जिनका भरोसा परमेश्वर पर था, वो सीधे खड़े रहे और चलते रहे। हाँ मेरे प्रियो, वो विजयी हुए, वो कभी भी लज्जित नहीं हुए। इसलिए अपना भरोसा हमेशा परमेश्वर पर रखें, प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखें। हर एक कठिन परिस्थिति में, हर एक विपरीत परिस्थिति में आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब लगे सब कुछ खत्म हो गया, उस समय भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसके पास आपके लिए योजना है और वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए अपना भरोसा किसी और पर न रखें, केवल और केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर रखें, जिसने आपको चुना है और आपको बुलाया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे अगम्य ज्योति, हमारे एकमात्र अधिपति। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते प्रभु कि आप सच्चे परमेश्वर है। प्रभु हमें बनाने वाले, हमें रचने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी अपने स्वरूप और समानता में बनाने वाले परमेश्वर है। लॉर्ड हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। हम आपकी उपस्थिति में आते प्रभु, आज के सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ ये पहला समय मेरे पिता आपको देते परमेश्वर, हमारे साथ संगति करे लॉर्ड, हमसे बातचीत करे प्रभु। इस भाई, इस बहन से प्रभु, जब ये आपकी निकटता में आए हैं, आज की सुबह में प्रभु आपकी नज़दीक आए हैं पिता, आप इनसे बोले और बातचीत करें, अपने बातों को, अपने दर्शनों को आप इन पर रिवील करें लॉर्ड फादर। हम दुआ करते परमेश्वर की होने दे पिता परमेश्वर, ये जिस बात को लेकर प्रभु आज आशा के साथ आपके पास आए प्रभु,
तो पिता परमेश्वर वो आशा इनकी पूरी होने पाए। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु धन्यवाद आपकी पाक पवित्र उपस्थिति के लिए। पिता आप हमारे साथ में है मेरे यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद क्योंकि आप स्वर्ग में विराजमान है, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद कि हम तेरे चरणों के समीप है। परमेश्वर पिता हम अपने हृदयों को आपके लिए खोलते यीशु, हम सबके हृदयों में आप आइए प्रभु, इस भाई इस बहन के हृदय में आइए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये इनका जीवन प्रभु तुझ में सफल होने पाए। लॉर्ड थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट, यू आर द होली, यू आर द जेंटल लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, ये सुबह प्रभु हमने आपके अनुग्रह से देखी है। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, रात भर में बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, नाना प्रकार की परेशानियों से बचाकर आज का नया दिन हमें दिखाया प्रभु। और पिता धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन में प्रभु हमें हर एक पाप से, हर एक गुनाह से बचाएं, हमसे प्रभु कोई भी गलती ना होने पाए प्रभु, ऐसा कोई भी कार्य ना होने पाए प्रभु जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित हो। हालेलुया, होली स्पिरिट आप हमें गाइड करें, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें, इस भाई इस बहन की आप सहायता करें। होने दे पवित्र आत्मा, जिन भाई बहनों को प्रार्थना करना नहीं आता आप उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, जिन्हें वचन समझ में नहीं आता उन्हें वचन समझना सिखाएं। हालेलुया मेरे प्रभु इनकी सहायता करें आज के दिन भर में, हर एक काम के लिए, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को करने के लिए आप इन्हें गाइड करें होली स्पिरिट। थैंक यू फादर, आपकी प्रेजेंस इस समय हमारे संग में है, इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवार के संग में, इनके बच्चों के संग में मेरे यीशु इस समय आप मौजूद हैं। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, आपके उस अटल वचन के लिए, उस स्वर्ग से ताए हुए जीवित वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि तू वो जीवित वचन है प्रभु जो हमारे जीवनों में कार्य करता है, क्योंकि प्रभु तू जिंदा ईश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। प्यारे प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं, किसी को तो घोड़ों का और किसी को तो रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। मेरे प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु जितने भी आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, सबका भरोसा आप पर है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन सच में प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, किसी भी बात पर प्रभु जी हमें अपनी बुद्धि अपनी समझ पर प्रभु भरोसा नहीं, परंतु पिता सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझ पर भरोसा होने वाले हो सके प्रभु, तुझ पर भरोसा करने वाले हम हो सके। ऐसे प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों को, हम सब के जीवनों को आप ऐसा बनाए प्रभु कि हर कठिन परिस्थिति में, हर एक विपरीत परिस्थिति में, हर एक संकट में, हर एक दुख में भी प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखें प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन में प्रभु हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले परमेश्वर पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता अब्राहम का विश्वास आप पर था प्रभु अपनी संतान के लिए प्रभु, जिस प्रकार दाऊद का विश्वास प्रभु आपके ऊपर था प्रभु, उसी प्रकार मेरे यीशु राजा इन भाई बहनों का विश्वास भी प्रभु आपके ऊपर होने पाए, अपने जॉब के लिए, अपने संतान के लिए, अपने पारिवारिक रिश्तों के लिए, अपने जीवन की हर एक समस्या के लिए मेरे पिता इनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु आप पर होने पाए, ये आप पर निर्भर होने पाए, आपको अपने जीवन का आधार माने। हालेलुया थैंक यू जीसस, आप इन्हें ब्लेस करें आज की सुबह में, आज के दिन में होने वाले इनके हर एक कामों पर आप आशीष दें लॉर्ड, जब ये आप पर विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु, आप कभी भी धोखा नहीं देते, कभी छोड़ते नहीं और कभी नहीं त्यागते। हाँ परमेश्वर पिता जब ये भाई बहन अपने जीवन में अकेले हैं, जब कोई भी इनका सहारा नहीं प्रभु, जब ये कर्जे में हैं, जब ये प्रभु लोन इनके ऊपर चढ़ा हुआ है प्रभु, जॉब नहीं, आर्थिक तंगियां है प्रभु, इनकम का कोई सोर्स नहीं प्रभु, परंतु प्रभु इस परिस्थिति में भी परमेश्वर इनके मनों को दृढ़ करें कि ये दृढ़ता से तुझ पर विश्वास कर सके प्रभु, और अपने जीवन में उन आशीषों को पा सके जो आपकी ओर से है पिता, क्योंकि हर एक उत्तम आशीष आप अपने बेटे बेटियों को देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही तो हमारी चट्टान, हमारे प्रोवाइडर, हमारी ढाल है यीशु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुबह में, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस कमेंट के लिए प्रभु जो इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु भेजा गया है पिता परमेश्वर, एक एक कमेंट पर प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं, एक एक कमेंट को पिता आप देखें प्रभु और इनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते प्रभु इनके जीवन में कैसे हालात से ये गुजर रहे हैं, परंतु यीशु आप सबके जीवनों को जानते हैं, यीशु आप इनके जीवनों में कार्य करें मेरे प्रभु।
धन्यवाद पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक वो जन जो बीमारी में है, हर एक वो जन जो दर्द में है, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द, सर से लेकर पैरों तक का हर एक दर्द निकल कर चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक बीमारियों से इन्हें छुटकारा मिलने पाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी को मैं कहती हूँ निकल जाओ यीशु के नाम से, इस भाई इस बहन को छोड़कर, इनके बच्चों के शरीर को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीरों को छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। जिस प्रकार मेरे प्रभु जी आपने हिजकिया राजा के रोगों को चंगा किया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन की सुधि लेकर आप इन्हें चंगा करें, इन्हें दीर्घ आयु दें और इन्हें हष्ट पुष्ट करें, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु, ताकि स्वस्थ होकर प्रभु ये सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करें, सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करें, सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन पर मनन करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, जिन बच्चों का जन्मदिन है, जिन नौजवानों का जन्मदिन है, जिन बुजुर्गों का जन्मदिन है, सबके लिए प्रभु आपसे हम मांगते हैं कि आप इन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु। यीशु मसीह आपने एक नया साल इनके जीवनों में दिया है, इस नए साल में नई बातें इनके जीवन में होने पाए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर, जो भी इनके मनोरथ हैं उन्हें पूरा कीजिए लॉर्ड, आपकी ओर से इन्हें प्रभु, प्रभु जी आप अपने वरदान इन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु ये आपके राज्य के लिए प्रभु बहुत आयत से इस्तेमाल किए जाएं प्रभु। जो भाई बहन मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु, तेरी सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए दुआ करते प्रभु, उनकी सेवकाई में आप प्रभु आशीष दें। जो प्रभु जी अपने घरों में सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से आप उनकी सेवकाई में आशीष दें। हम प्रार्थना करते प्रभु जिन भाई बहनों को अभी तक भी कोई भी काम नहीं मिला है, लॉकडाउन के चलते बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उनके लिए उपाय करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यीशु मसीह जिनके ऊपर लोन चढ़े हुए हैं प्रभु यीशु, आप उनके लिए उपाय करें। जो कर्जे में हैं आप उनके लिए उपाय करें। मेरे प्रभु जो बहनें प्रभु अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रही प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीष दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन में हर एक दुर्घटनाओं से बचाएं, इनके सारे कामों पर आशीष दें, हर एक काम इनका सफल होने पाए, हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप निरंतर हमारे साथ में सुबह की प्रार्थना में बने हुए हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप प्रभु में प्रार्थनाओं में और संगति में बढ़ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। व्हाट्सएप फोन कॉल्स के द्वारा, इंस्टाग्राम में जो मैसेजेस, कमेंट्स में जो मैसेजेस आ रहे हैं, हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रही है, आपके परिजनों के लिए प्रार्थना कर रही है। इसलिए आप और आपका परिवार हमारी मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रार्थनाओं के द्वारा सपोर्ट कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।